नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मेज व्यवस्था एवं शिष्टाचार। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं भोजन परोसने की शैली। भोजन परोसने की मुख्य चार शैलियाँ होती हैं, देशी शैली, इंडियन स्टाइल, पाश्चात्य शैली, विदेशी शैली, वेस्टर्न स्टाइल या देशी मिली जुली शैली, इंडियन वेस्टर्न मिक्स स्टाइल, बुफे शैली, बुफे स्टाइल। तो देशी शैली में जब अपन बात करते हैं तो इसमें कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलोअप करना होता है। यह भोजन परोसने की विशुद्ध और भारतीय शैली मानी जाती है। इसमें आसानी से आसनी, दरी, पट्टियाँ, पीढ़ी, चौकी, तखत पर बैठकर भोजन कराते हैं। थाली की बाई ओर पहले भोजनकर्ता के पास पानी का लोटा, ग्लास रखा जाता है और भोजन परोसने का काम गृहिणी, गृहस्वामी या घर के दूसरे सदस्य द्वारा किया जाता है। थाली की बाई ओर कलात्मक ढंग से चावल परोसा जाता है। इसमें नींबू, नमक, मिर्च, अचार, चटनी, सलाद, पापड़ आदि परोसे जाते हैं। दूसरी कटोरी में दाल परोसी जाती है, सब्जियां परोसी प्लेट में परोसी जाती हैं तथा रायता, कड़ी, खीर, कोफ्ता के अलग कांच की एक सुंदर कटोरी में परोसा जाता है। विशेष अवसरों पर भोजन चांदी के बर्तनों में भी परोसा जाता है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं तो भोजन की जो शैली होती है, अंत में बात करते हैं तो माउथ फ्रेशनर दिया जाता है और झूठन छोड़ने के लिए मना कर दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है विदेशी शैली और पाश्चात्य शैली, ये अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो की वॉचिंग माई चैनल और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझसे संपर्क बनाए रखें। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।